स्टूडेंट, मैं आज क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझिएगा। और जो पहला क्वेश्चन है, इसके पहले वीडियो में बता दिए हैं, आप लोग सर्च करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा का दूसरा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मिस करेंगे समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय, ठीक है, और सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय कितनी है, ठीक है। तो हमको मालूम नहीं है कि उस कितना कितना है, तो हम क्या करेंगे, इन लोगों को मानेंगे, ठीक है। नूरी की आय मानेंगे और सोनू की मानेंगे आय। तो हम मान लेंगे यहाँ पे माना, ठीक है, माना नूरी की आय 1 वर्ष, ठीक है, और सोनू की, ठीक है, फिर क्या मानेंगे, सोनू की आय मान लेंगे हम वाई वर्ष, ठीक। तो ये तो समझ में आ गया कि हम मान लिए। तो मानने के बाद अब देख रहे हैं कि कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो जो माने हैं इन लोग का, हम 1 वर्ष नूरी की आय माने हैं, सोनू का वाई माने हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इन्हीं जो वर्ष, ये जो वर्ष है, इन्हीं के 5 वर्ष पूर्व जो माने हैं, 5 वर्ष पूर्व करेंगे तब होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व लिखिए, अब लिखेंगे यहाँ पे नूरी की आय, ठीक है, लिखेंगे क्या यहाँ पे, एक्स माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे फिर करेंगे कि सोनू की आय, क्या सोनू की आय हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, वाई है, तो इसमें भी क्या होगा, वाई माइनस 5 वर्ष, ठीक। तो जब ये आपका आ गया तो 5 वर्ष पूर्व हो गया। अब कह रहा है कि क्या था, 5 वर्ष पूर्व नूरू की आय सोनू की आय की 3 गुनी है, किसकी, जो नूरी की आय है, ठीक है, सोनू की आय से वो क्या है, उनका 3 गुना है। कौन सा 3 गुना है, ये 3 गुना है, किससे, इससे, ठीक है, यानी इससे इसका 3 गुना है, किसका, नूरू की आय, सोनू की आय से 3 गुना है। यहाँ पर हम दिखाएंगे एक्स माइनस 5 बराबर ये 3 गुना, देखिए 3 गुना ये है, इससे 3 गुना ये है, नूरू की आय जो है सोनू की आय से 3 गुना है, लेकिन हम किसको दिखाएंगे 3 गुना, यहाँ पे 3 गुना कर देंगे, वाई माइनस 5, ठीक है, यहाँ पे करेंगे, क्योंकि जब गुणा करेंगे आगे जाएंगे, मान रखेंगे गुणा करेंगे तो आपको दिखाएगा कि कौन 3 गुना है और कौन 1 गुना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक्स माइनस ये 5 है और इससे हम गुणा करेंगे, इसमें क्या होगा 3y, ये क्या हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लाएंगे, 3y हो जाएगा और आपका ये माइनस 15 है और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 3y बराबर, देखिए यहाँ पे ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर आपका क्या तैयार हुआ, 1 अभी तैयार हो गया, ठीक है। जब समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि कितने, फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व कह दिया, अब 10 वर्ष पश्चात उसी को कह रहे हैं, यानी 10 वर्ष बाद। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, नूरू की आय क्या है, एक्स प्लस 10 वर्ष, ठीक है, यानी अब यहाँ पे 10 वर्ष कह रहे हैं। फिर लिखेंगे सोनू, सोनू की आय क्या हो जाएगा, वाई प्लस 10, इसमें भी होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात नूरू की आय सोनू की आय की क्या हो जाते हैं, 2 गुना हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि नूरी की आय जो है सोनू की आय की क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो फिर यहाँ पर हम वही कार्य करेंगे, लिखेंगे x प्लस 10, ये किसका है, नूरी का, और ये y है, तो y प्लस 10 है, तो इसको हम 2 गुना दिखाएंगे, ठीक है।
अब क्या करेंगे हम, ये बहुत बहुत सारे नियमों से होता है ठीक है, लेकिन आप लोग को यह नियम अच्छा पड़ेगा, साधारण पड़ेगा, समझ में आएगा, इसलिए ये नियम बता रहे हैं ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस दस ठीक है, अब इससे गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, दो वाई प्लस ये क्या हो जाएगा, बीस हो जाएगा, इससे गुणा होगा इसमें ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब हम पक्षांतर करेंगे x और ये आपका आएगा तो इधर कितना हो जाएगा, y के पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 2y हो जाएगा और इधर जाएगा ये, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये क्या है आपका 20 है और ये जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 10, तो x माइनस 2y बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 10। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 ठीक है, समीकरण नंबर 2 भी आ गया। अब हमें हल करना है ठीक है, क्योंकि नूरी और सोनू की आय निकालना है ठीक है, उसी का मान यानी एक्स वाई का मान निकालना है, कैसे आएगा तो विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से आप लोग करेंगे तो आ जाएगा। तो हम देखिए आप लोगों, ये आप लोगों को विलोपन विधि हम बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण एक समीकरण दो बना है तो लिखेंगे यहाँ पे ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं आप लोग, ये समझ लीजिएगा ठीक है। तो ये आप लोग देखिए समीकरण एक में से ठीक है, समीकरण दो को घटाने पर ठीक है, घटाने पर हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यह है समीकरण एक, एक्स माइनस तीन वाई बराबर माइनस दस हो गया ठीक है। अब यहां पर देखिए आपका यह है समीकरण दो है, लिखेंगे यहां पे एक्स माइनस दो वाई बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 10 दिया हुआ है, घटाएंगे यहाँ पर माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, ये आपका घटेगा तो माइनस में क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, और ये क्या होगा ऊपर और नीचे माइनस है बीच में प्लस है तो ये जुट जाएगा, तो आपका आएगा माइनस में 20 वाई, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना आ गया 20 ठीक है। यानी आ गया देखिए सोनू की आय कितना आ गया 20 वर्ष आया ठीक है, तो 20 वर्ष आ गया। अब क्या करना है हमें, किसका, नूरी का आय ज्ञात करना है जो कि वही तीन गुना है ठीक है। तो दिखाना यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखेंगे कि y का मान समीकरण ठीक है किस में रखेंगे, तो समीकरण आप एक में रख सकते हैं, समीकरण एक में रखने पर ठीक है। तो समीकरण आपका ये है, समीकरण आपका ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस तीन वाई बराबर माइनस दस है ठीक है। अब इसी में हम रखेंगे किसका मान, y के मान, तभी तो x का मान आएगा। तो यहाँ पर रखेंगे x, यहाँ पर रखेंगे तीन गुणे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस दस ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा आपका ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे देखिए, अब ये पक्षांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पक्षांतर करेंगे ठीक है। तो किसको, x बराबर ध्यान दीजिएगा, यानी इधर माइनस 10 है जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा, यानी आपका आएगा x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 50 प्लस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इधर ज्यादा है तो माइनस में आना चाहिए ठीक है, और इधर माइनस है तो माइनस में इधर आता तो माइनस ये है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा एक्स बराबर ये 50 आ जाएगा आगे ठीक है। तो आप लोग देखिए क्या है, यानी एक्स का भी मान आ गया और वाई का भी मान आ गया, यानी नूरी का आय कितना हो गया 50 वर्ष हो गया ठीक है, यानी 50 और ये क्या है, और सोनू का आय कितना हो गया यानी 20 हो गया ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, समीकरण भी आपका बन चुका है ठीक। अब बताएंगे आपको हम इसका क्वेश्चन दूसरा का तीसरा, तो अब देखिए आप लोग दूसरा का तीसरा हम बता रहे हैं ठीक है। तो ऐसे दिया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का युग 9 है ठीक है। अब इसमें देखिए ऐसी संख्या है ठीक है कि पता नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल में हम ऐसे क्वेश्चन में क्या मानते हैं जब दो अंकों की संख्या है ठीक है, अंकों की संख्या है तो उसमें कुछ ऐसी संख्या मानी जाती है जो वास्तविक संख्या होती है ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, पहले अब पिछले क्लास में बहुत पढ़ चुके होंगे ठीक है, जो आप लोगों को बताया गया होगा कि 10 x प्लस वाई, 10
वाई प्लस एक्स ऐसी संख्या बताया जाता होगा, ठीक है, जो वास्तविक संख्या होती है। तो ऐसे ही संख्या इसमें भी हम मानेंगे। पहले तो देखेंगे कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, तो हमें मालूम नहीं कौन सी संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, हल करेंगे पहले, तो लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना इकाई, माना इकाई की संख्या, इकाई की संख्या क्या है, एक्स है, ठीक है, इकाई की संख्या क्या मानिए, एक्स मानिए, ठीक है, अब इकाई की संख्या एक्स मानिए, ठीक है, अब वहीं लिखेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे, दहाई, दहाई की, ठीक है, संख्या क्या मानेंगे, वाई मानेंगे, ठीक है, अंक मानिए, यहाँ पे लिख सकते हैं इकाई की संख्या या अंक लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप अंक भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे भी अंक भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप क्या मान रहे हैं, एक्स और वाई मान रहे हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, पहले हम मानेंगे कि इकाई की अंक एक्स हो गया, दहाई का अंक क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक, जब ये मान लिया है तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि कह रहा है कि अंकों का योग 9 हो जाता है, लेकिन इससे पहले हम देखिए, पहले यहाँ पर कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो किसका 9 गुना, वो संख्या तो मालूम नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक आता है वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक संख्या जो आता है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे 10y + x होता है, ध्यान दीजिएगा, इसी में हमें 9 गुना, ठीक है, करना है, ठीक है, और जो पलटने से बनेगा 2 गुना हो जाएगा, तो ये कह रहा है इसको क्या हो जा रहा है, ये 9 गुना है, और जो संख्या पलट रही है वो कितना हो जा रहा है, तो संख्या हम पलट देंगे, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि क्या, संख्या को पलटने से, पलटने से क्या बड़ा संख्या ये हो जाता है, 10x + y हो जाता है, ठीक है, तो पहले हम इकाई का अंक x मान लेंगे, दहाई का अंक y मान लेंगे, वास्तविक संख्या ये देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में दो अंकों की संख्या ऐसे आएगा, तो आप मानेंगे क्या मानेंगे, वास्तविक संख्या 10y + x मान लेंगे, पलटने पर होता है तो पलटने की बात है तो 10x + y हो जाएगा, ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि इसी को कह रहा है 9 गुना, किसको कह रहा है, अब हम आप लोग को आगे बताएंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो पहले कहा है कि इन संख्याओं का योग, जो संख्या माने इकाई दहाई की संख्या माने उसका योग क्या है, 9 है, तो हम लिखेंगे x + y = क्या हो जाएगा, 9, ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है, यानी क्यों योग तो एक दिखा दिए, अब हम दूसरा ज्ञात करना है, तो वो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों पलटने से, जो संख्या वास्तविक संख्या माने हैं उसका कह रहा है कि उसको 9 गुना, जो क्या है ये है, तो लिखेंगे यहाँ पे 10y + x, इसको क्या कह रहा है, 9 गुना, ठीक है, अब कह रहा है कि जो संख्या पलटा हुआ है, यानी संख्या कौन सी पलटी हुई है, ये देखिए यहाँ पे 10x + y, ठीक है, पलटा हुआ है, इसमें 10 के पास x है, इसमें 10 के पास y है, तो जब संख्या ये पलटा है तो कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया है, ठीक है, तो जब 2 गुना हो गया तो आप क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 90y + ये क्या हो जाएगा 9x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 20x, और ये हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, आपका 2y, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, अब हमें ये करना है कि थोड़ा सा इधर पक्षांतर करना है, x को x तरफ कर देना, y को y की तरफ कर देना है, ठीक है, तो ये हमें देखना है, ठीक है, तो इसको हमें कैसे करना है, आप लोग ये ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या करेंगे कि जो ये x है, ठीक है, तो x है तो हमको पहले देखिए y को उधर ले जाएंगे, और ये जो x है इधर लाएंगे, यानी जो भी आपको पक्षांतर करना होगा वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो हम आप लोग को पक्षांतर करके दिखा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 90 y, हम पक्षांतर करेंगे इसको यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 2y, ठीक है, तो क्यों यहाँ पे जब ये प्लस में है तो आया तो माइनस में हो गया, माइनस में हो गया, अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए, अब हम इसको
ले जाएंगे इधर, 20 यहाँ पे एक्स है, ये जाएगा तो कितना हो जाएगा आप देखिए ध्यान से, ये जाएगा आपका इधर तो माइनस कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को ये समझ में आ गया। तो अब इस तरह संख्याओं को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक काम कर रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि x प्लस वाई है, यानी x के बाद क्या है y है, तो अब हमें क्या करना है कि इसको हमें इधर ला देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है इधर लाएंगे, यानी 20x माइनस 9x, यानी पक्षांतर नहीं करना है, ये अपने अपने स्थान पर थोड़ा सा इसको हमें चेंजिंग करना है, यानी हमें लिख देना है 90y, ठीक है, माइनस, ठीक है, 2y, ताकि हम हल करेंगे तो वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब हमको यहाँ पे अब देखना है कि ये घटेगा, तो घटेगा तो आखिर कितना होगा, ठीक है, ये देखना है, तो ये आपका देखिए यहाँ पे घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 11x, ठीक है, यानी 20 में से 9x जाएगा तो कितना जाएगा 11, ठीक है, तो अब ये क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पे ये क्या आपका आ जाएगा, अब आ जाएगा आपका 88y। ठीक है, जब इतना आ गया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 11x माइनस आएगा इधर तो माइनस होगा 88y बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हम कॉमन कर लेंगे 11, ठीक है, और x यहाँ पे कर लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, 8y बराबर 0। ठीक है, तो जब ये आपका आ गया, ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो ये आ गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 से इसमें जब भाग देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना x माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे ये 11 से इसमें क्या कि भाग दी तो आपका क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हुआ होगा, ठीक है, तो आप लोग दिक्कत नहीं करना, सिर्फ जो x को x तरफ कर दिए, y को y तरफ यहाँ पे कर दिए, ठीक है, अब हमें इस माध्यम से देखकर चलना है कि x इधर है, x इधर होना चाहिए, y उधर है तो y उधर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि x वाले को इधर कर दिए, y वालों को उधर कर दिए, वो अपने अपने स्थान पे है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया गया है ताकि x x स्थान पे आ जाए, y y स्थान पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर ये पक्षांतर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में 8y हो गया, तो यहाँ पे समीकरण नंबर बन गया आपका 2। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, देखेंगे यहाँ पे कि x का मान, ठीक है, x का मान लिख देंगे या समीकरण 2 का मान लिख देंगे, यहाँ पे x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण किस में रखने पर, तो आप रखेंगे देखिए आपका एक कहाँ यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण आपका x प्लस वाई बराबर क्या है 9 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे देखिए ध्यान से, x का मान कितना है 8y, तो यहाँ पर रखेंगे 8y प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, यानी अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 9y हो जाएगा, ये 9 है तो y भाग देंगे इसमें 9 में, तो कितना आ जाएगा y का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, जब y का मान 1 आ गया तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान, ठीक है, समीकरण ध्यान दीजिए समीकरण किस में रखने पर, तो जो भी आए जो भी है उस पर रख सकते हैं, आपका मान आ जाएगा, क्यों, क्योंकि x का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण x में रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका मान आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम रखते हैं, तो ध्यान दीजिए लिखेंगे y का मान, लिखे हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर देखिए x प्लस y है तो y का मान 1 आया है, और यहाँ पे माइनस 9, ये 9 है तो देखिए ये जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 है सिर्फ, तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो x का मान कितना जाएगा 8, यानी x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करना है, तो वह संख्या क्या है, तो उसमें हमें देखना है कि वह संख्या जो है आपका वास्तविक संख्या ये है।
ठीक है, इसी को पलटने से बना है कुछ संख्या। तो हम लिखेंगे कि जो क्या है यहाँ पे अभीष्ट संख्या लिख सकते हैं, चाहे वास्तविक संख्या जो भी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए आप अभीष्ट संख्या। ठीक है, अभीष्ट संख्या क्या है आपका, यह वास्तविक संख्या, ये आपका 10y + x है। तो y का मान कितना है आपका 1 और प्लस x का मान 10, तो आपका ये जुटेगा, ये 10 प्लस क्या हो जाएगा यानी 18। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका आ गया कौन सी, यानी वह संख्या। ठीक है, तो अभीष्ट संख्या यानी वास्तविक संख्या आपका यही 18 आ गया। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बताएंगे आपको हम इसमें का चौथा क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए आप लोग को हम एक दूसरा का चौथा बता रहे हैं। ठीक है, यानी दिया है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है ना, मीना ने, ठीक है, 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, उसने खजाची से ठीक है 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए गई। जो खजाची थी वहाँ पे उससे 50 और 100 के नोट देने के लिए गई। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त भी कर लिए। ठीक है, तो कह रहे कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, यानी कह रहा है कि यहाँ पे उसको तो 2000 रुपया क्या क्या था मिला था। ठीक है, तो 2000 रुपया आपको मिला था, तो 2000 मिला था, तो फिर उसमें 100 का और 50 का नोट कितने कितने हैं वही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग ये देखिएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले मानेंगे कि भाई x का नोट कितना है, ये नहीं 50 का नोट कितना है वो, और 100 का नोट क्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना, ठीक है, क्या लिखेंगे, माना 50 रुपये का, ठीक है, 50 रुपये का नोटों की संख्या, नोटों की संख्या क्या है, एक्स है। जो 50 की नोट है उसके हम संख्या क्या मान लिए, एक्स मान लिए, और जो 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का नोट है उसकी संख्या क्या माने, नोटों की संख्या क्या मान लिए हम, वाई मान लिए। ठीक है, यानी जब हम मान लिए तो ध्यान से देखिएगा, यानी कह रहा है कि कुल कितना पैसा है, तो पहले हम ये देखेंगे कि कुल दिया है कि कुल कितना है, 25 नोट है, तो हम नोटों की संख्या 100 ही माने हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एक्स प्लस वाई बराबर जो 50 और 100 के नोट है वो कितना टोटल हो गया था, 25 नोट हो गया, तो समीकरण एक बन गया है, क्योंकि इसी और एक्स और वाई को ही माने हैं हम, 50 का और 100 का नोट माने हैं, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर 2000 रुपये टोटल हो रहा है। लेकिन अभी तो हम इसे 50 से गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे तब दिखाएंगे कि 2000 हो रहा है। अभी तो हम दिखाएं कि दोनों का क्या है, दोनों मिलाकर नोट 25 हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो 50 का नोटों की संख्या माने हैं उससे हम 50 में 1 से गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे 50x प्लस यानी 100 के हम क्या माने हैं, 100 के नोटों को y माने हैं, तो हम यहाँ पे 100 में y से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 100y बराबर ये। अब देखिए 100, 50 और 100 रुपये के जो नोट मिला हुआ है ये तो टोटल संख्या है कि कितना नोट है, और ये जो रुपया है यहाँ पे अब ये बताया जा रहा कि कितना रुपया है टोटल, तो ये आपका कितना है, 2000 है। ठीक है, कितना है, तो 2000 है। अब क्या करना है यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे कॉमन करना है, तो अगर 50 ले रहे हैं तो यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2y हो जाएगा। ठीक है, ix + 2y। ठीक है, अब यहाँ पे 2000 हो जाएगा, बटा में क्या होगा, 50, जीरो से खत्म, ये क्या हो जाएगा, 5 का 20 आपका, ये x + 2y बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका 40। ठीक है, तो आपका समीकरण नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। ठीक है, तो जब समीकरण नंबर आपका ये 2 बन गया, अब हमें हल क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
अब देखिए विलोपन विधि से हम कर दें, ठीक है, विलोपन विधि से करेंगे तो आप लोग भी समझ में आएगा। यहाँ पर लिए लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है, एक में से, ठीक है, दो को क्या करने पर, घटाने पर, तो समीकरण आपका क्या है, ये है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर, ये क्या है, 25। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे x प्लस दो वाई बराबर कितना है, 40, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए माइनस 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 लगाएंगे, ये कट जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, आपका नीचे है तो माइनस में वाई आ जाएगा, क्योंकि दो वाई में से एक वाई जाएगा तो माइनस वाई है। अब यहाँ पे ये घटेगा तो आपका ये क्या बचेगा, तो आपका ये भी बच जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आपका बचेगा 15 किसमें, माइनस में, ठीक है। तो जब माइनस में 15 बचेगा तो वाई से वाई, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई का मान कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। यानी वाई के मान कितना आ गया आपका, 15 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा, यानी अब देखिए 100 का नोट कितना है, देखिए 100 का नोट 15 आ गया। अब कितना हमें देखना है कि 50 का नोट कितना है, तो जब x का मान ज्ञात करेंगे तो y का मान लिखेंगे, कि y का मान समीकरण किस में रखेंगे, तो समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण एक में क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण एक यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान कितना है, x प्लस, अब y का मान देख रहे हैं 15 है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि पक्षांतर करेंगे किसको, 15 को, 25 से यहाँ पे माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या आ जाएगा, 10, ठीक, यही आएगा। तो आपको ये आ गया कितना, देखिए यहाँ पर आ गया 50 के नोट कितना है, 10 को, और 100 का नोट कितना है, तो 15 है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको, आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम 3.5, आप लोग देखिएगा आज तक, यानी आप लोगों को मिलते हैं, तो आप लोग वीडियो को देखकर समझ में आ गया होगा, ठीक। तो थैंक यू।